मैं जा रहा हूँ भाई अमरेश्वर बालाजी। रियली सॉरी भाई, मैं आज अमरेश्वर महादेव मंदिर नहीं जा रहा, क्योंकि भाई मेरे चैनल पे आ चुकी है आज प्रॉब्लम। गाइज मैंने कल आपको भाई ये वाला टाइगर भी दिखाया था, आपको याद हो तो। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो भाई आज के ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ सवाई माधोपुर की एक प्रसिद्ध जगह पे। आज है भाई सोमवार, तो लगभग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। मैं जा रहा हूँ भाई अमरेश्वर बालाजी, जो कि मेरे कुछ ही दूर है, 3-4 किलोमीटर की दूरी पे। तो वो दिखाऊंगा आपको आज अच्छे से, आप बने रहे इसी प्रकार इस ब्लॉग में। अगली वीडियो पे आपने बहुत ही अच्छा प्यार दिखाया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। वैसे तो मैं आज आपको चौथ माता के या सिबाड़ घुमाता भाई, पर आज है मेरी मम्मी जी का ऑपरेशन, तो मेरा भाई कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा। मैं बस आपको मंदिर दिखाऊँगा आज, और खाना पीना खा के ले चलता हूँ आपको मंदिर की तरफ। माता और सिवाड़ के पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। आपको पता है तो कमेंट करके बताना मैं कहाँ जाऊँगा। जो सही बताएगा मैं उसका कमेंट पिन करूँगा भाई। तो कमेंट करो जल्दी से और बताओ चौथ माता और सिवाड़ के पहले मैं आपको 2 या 3 ब्लॉक कहाँ के दिखाऊँगा। जो सवाई माधोपुर से है उनको तो पक्का पता होगा मैं कहाँ जाने वाला हूँ। रियली सॉरी भाई, मैं आज अमरेश्वर महादेव मंदिर नहीं जा रहा, क्योंकि भाई मेरे चैनल में आ चुकी है आज प्रॉब्लम, और कल की वीडियो का आप इंतज़ार करें, क्योंकि भाई प्रॉब्लम तो ठीक हो चुकी है, पर आप भी अगर यूट्यूबर हो तो आपको भी ये प्रॉब्लम ना हो। इसी पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा और साथ ही साथ कल दिखाऊंगा आपको अमरेश्वर महादेव मंदिर। तो आप कल की वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करें। अब मैं जा रहा हूँ भाई कॉलेज, क्योंकि थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। काफ़ी सैड था मैं अभी 4 बजे तक, क्योंकि प्रॉब्लम चैनल पर कुछ ऐसी हुई, मैं कल आपके सामने दिखाऊँगा भी और प्रूफ भी बताऊंगा आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी क्या नहीं। तो अभी तो थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए चलता हूँ कॉलेज, क्रिकेट खेल के आएंगे ताकि थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए। और मैं दिखाता हूँ आपको भाई हम कॉलेज में सब लड़के कैसे जाते हैं क्रिकेट खेलने और कैसे खेलते हैं, सब दिखाऊंगा। बस आज के लिए सॉरी भाई, क्योंकि भाई आज का कंटेंट मुझसे बना नहीं भाई, चैनल पर मेरे पे जो गड़बड़ी हुई थी आपके चैनल पर भी वो गड़बड़ी ना हुए, इसी कारण मैं कल आपको प्रूफ भी दूंगा और आपको भी बताऊँगा भाई क्या करना है चैनल पर क्या नहीं। मेरे चैनल पे भाई ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, उसको ठीक करने में मुझे लगभग 2-3 घंटे लग गए, और इसी कारण मैं वहाँ पे जा नहीं पाया। तो कल जाऊँगा सुबह, आप इंतज़ार करें, अभी तो मैं कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ। गाइस हम इधर से जाते हैं भाई कॉलेज, जैसे भाई स्टेशन को पार किया और पुलिया के पास ही है भाई कॉलेज, तो हम डायरेक्ट भाई सीधा निकल जाते हैं इधर से। तो चलते और वहाँ जा के बताऊँगा आपको मैंने क्या गलती की थी, और कल तो मैं पूरा प्रूफ दूंगा आपको। गाइस 4 नंबर प्लेटफॉर्म को भाई अच्छी तरीके से सजाया जा रहा है और अच्छी तरीके से काम चल रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं और रणथंभौर ज़्यादा घूमने आते हैं, तो भाई इसको अच्छी तरीके से सजावट की जा रही है। इनमें भाई पेड़ पौधे पता नहीं क्या लगेंगे, अभी तो कुछ पता नहीं है ऐसा। तो चलते हैं भाई कॉलेज की तरफ। गाइज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं आज खेलने जाऊँ क्रिकेट, पर भाई क्या करूँ कंटेंट मिल ही नहीं रहा था, तो चलो थोड़ा आपको इन्जॉय करवा दे। और भाई मैं काफ़ी परेशान था आज, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा हो गया भाई चैनल पे, और मुझे तो आज पता चला है वो काम भाई 23 नवंबर 2023 को ही हो गया था। तो आप सोच लो क्या हुआ है चैनल पे, 23 नवंबर 2023 को मेरे चैनल पे प्रॉब्लम आ चुकी थी, पर मैं समझ नहीं पाया। आज मैंने खोला और देखा तो भाई प्रॉब्लम ये थी। गाइज मैंने कल आपको भाई ये वाला टाइगर भी दिखाया था, आपको याद हो तो। और भाई पुलिया के जस्ट आ गई है कॉलेज, तो भाई हम यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ से रास्ता है भाई थोड़ा, जो लोकल है यहाँ के उनको पता होता है। तो चलते हैं कॉलेज। गाइज आप ये मत समझना कि भाई हम पटरी पार करके आते हैं, बिल्कुल भी नहीं भाई, क्योंकि हम आते हैं 4 नंबर से सीधा, यहाँ पे लोकल रास्ता ये, यहाँ से आके हम पटरी पार बिल्कुल नहीं करते, यहाँ से आके डायरेक्ट इधर घूम जाते हैं। और इधर ही सामने कॉलेज है, आपने देख ली कल की वीडियो, देखो जैसे वो भैया जा रहे हैं ना ऐसे हम इधर से घूम जाते हैं, इधर पटरियों पर नहीं जाते भाई बिल्कुल भी। आप बिल्कुल भी ये मत समझना कि पटरी पार करके जाते हैं, हम भाई किसी भी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं करते जहाँ तक हमसे होता है। तो देखो गाइज हम इधर से आए थे, इधर से आके डायरेक्ट सीधा कॉलेज आ जाता है, और अंदर भाई बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, दिखाता हूँ आपको, उसमें खेलते हैं हम क्रिकेट। आपने सोचा तो होगा भाई
कि सुबह तो ये इंट्रो शूट कर रहा था अमरेश्वर महादेव मंदिर का, पर अचानक क्या हुआ? तो भाई जो हुआ वो ही हुआ। कल की वीडियो का इंतज़ार करें, सब कुछ दिखाऊंगा आपको और आपको भी बताऊंगा कि आप अगर YouTube पे काम कर रहे हो तो ऐसी गलती आप ना करें। गाइज कॉलेज में भी एक मंदिर है, अगर मैं उस मंदिर को नहीं दिखा पाया तो आप इसको देख लो भाई। मंदिर श्री बटमूलेश्वर महादेव, बटमूलेश्वर महादेव मंदिर है, कॉलेज के अंदर ही है ये। और चलता हूँ अब अंदर ग्राउंड में। तो गाइज पहुँच चुका हूँ ग्राउंड में और सामने लिख भी रखा है भाई खेल मंच। तो ये है भाई हमारा छोटा सा ग्राउंड और इसमें अभी भाई काफ़ी टीम आने वाली है और जो हमने बंदे बुलाए थे वो भी आने वाले हैं। और मैं बता दूँ आपको, ये भाई कोई छोटा मोटा ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे भाई स्टेट लेवल की ट्रॉफी भी चलती है और सारे कॉलेज की ट्रॉफी भी चलती है। उसके साथ साथ भाई यहाँ के जितने भी लोकल बच्चे हैं, लोकल आदमी है, सब यहाँ पर खेलते हैं। गाइज मैं बता दूँ आपको कि भाई संडे के दिन यहाँ पर लगातार 5 टीमें खेलती है भाई इस छोटे से ग्राउंड में। देखो भाई एक टीम तो ये खेल रही है, इनकी भी अभी टीम आ रही है और एक टीम भाई हमारी आ जाएगी अभी। तो दो टीम तो हो गई, और भी टीमें आ रही है अभी तो कंटिन्यू, क्योंकि भाई शाम का समय हो रहा है। तो भाई टॉस कर लिया है, हमारी भाई फील्डिंग आई है और सामने वाली टीम विनर रही है, उसकी बैटिंग है भाई। इनकी है भाई बैटिंग और हमारी है फील्डिंग, तो करते भाई फील्डिंग। ये हमारी टीम है भाई सारी। तो मैं रहूँगा भाई कीपर और बिमलेश करेगा बॉल। तो मैच ऑन है भाई और हम लग रहे हैं फील्डिंग और ब्लॉगिंग करते हैं बंद, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई ये खेल चुके हैं, इनका टारगेट हुआ है भाई 80 रन, अब खेल रहे हैं हमारे खिलाड़ी। हम भाई मैच हार चुके हैं, अब करेंगे सेकंड मैच, देखते हैं उसमें विनर कौन होता है। देखो भाई धीरे धीरे 4 टीम चलने लग गई, एक इधर चल रही 2, एक उधर 3 और एक इधर चल रही 4, 4 टीम चल रही है भाई, देख लो। ओ गई, ओ गई गई गई। कैच आराम से। तो गाइस मैच पूरा हो चुका है और इस मैच में विनर हम हुए भाई, और चलते अब रूम पे जाके मिलेंगे। तो भाई हालत थोड़ी खराब हो चुकी है और चलते अब रूम पे जा रहे हैं हम डायरेक्ट। अब गाइज इधर काम चल रहा है भाई, कुछ दिनों बाद ये भाई बड़ी वाली हाईवे निकल जाएगी। तो आ गया हूँ भाई रूम पे, अब बनाऊंगा खाना बनाकर फिर बताऊंगा क्या हुआ था मेरे चैनल पे आज। तो पहले बनाता हूँ खाना। तो खाना पीना हो चुका है और भाई अब बताता हूँ क्या हुआ था मेरे चैनल पे। भाई मेरे चैनल पे भाई स्ट्राइक पड़ गई थी, तो आप अब पूछोगे कि स्ट्राइक क्या होता है, तो कल की वीडियो का इंतज़ार करें और आप भी ऐसी गलती ना करें। मैं बताऊंगा आपको क्या होता है क्या नहीं और कैसे ये हटता है, कैसे काम करता है, सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि आप में से कोई भाई है जो YouTube पर काम कर रहा है पर उसको भी थोड़ा पता नहीं होता भाई, हो जाता है ऐसा, तो कल की वीडियो का इंतज़ार करें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं कल YouTube की एक इन्फॉर्मेशन और अमरेश्वर महादेव मंदिर के साथ, तब तक के लिए बाय।